بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام دیدار حسن ہے. دیدار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے تل شکری. تو وہ کیسے بنتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے. یہ میں نے یہ دیکھیں گڑ لیا ہے, یہ میں نے تل شکر لی ہے اور یہ میں نے بیلن لیا ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے اس کے اوپر یہ تلنے کے سب سے پہلے یہ میں نے گھی لگا لیا ہے, یہ دیکھیں. اور یہاں پر بیلنی پر بھی یہ دیکھیں. तो हम इसको ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे बोला भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके. तो आइए हम अब शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई लेनी है, ये मैंने गैस पर चढ़ा दी है इस तरह. तो अब मैं इसमें तिल डाल दूँगा, ये देखें इस तरह. इसको अच्छी तरह हलाते रहना तिल को, ये देखें इस तरह हलाते रहना है, ये देखें इस तरह अच्छी तरह हलाते रहना तिल को. भुनी लगानी है, ये देखें इस तरह हलाते रहना है. तो ये देखें इसे मैं अच्छी तरह भून रहा हूँ. इसे ज्यादा भूनना नहीं है, ये कड़वे हो जाते हैं, ये देखें. तो ये माशाल्लाह बहुत ही आज की रेसिपी अच्छी बनेगी. तेल जो भून चुके हैं तो अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखें. अब मैं इसको बाहर निकालने लगा हूँ, ये मैंने बाहर निकाले हैं. अब मैं चाशनी बनाने लगा हूँ. तो सबसे पहले जो कढ़ाई है इसको मैं निकाल लेता हूँ इस तरह, ये देखें. गैस पर चढ़ा देना है पर. तो अब इसमें ये गुड़ डालेंगे इस तरह. गुड़ डाल दिया मैंने कढ़ाई में इस तरह, सारा डालना है, ये देखें. तो इसमें अब घी डालना है, ये मैंने घी डाल रखा था कम में, अब इसमें डालूंगा. तो चाशनी तैयार होने में थोड़ी सा वक्त लेती है, ये देखें. इसको अच्छी तरह हलाते रहना है इस तरह, अच्छी तरह हलाते रहना है. चाशनी अभी हमारी तैयार हो जाएगी, इसकी रोटियां खत्म करनी होगी, देखें इस तरह. तो इसको अच्छी तरह इसे हलाते रहना है. तो ये देखिए चाशनी हमारी तैयार होगी. अब मैं इसमें डालूंगा ये तिल, ये देखें इस तरह. ये जो पहले मैंने तिल बना रखे थे इसको इस तरह इसमें डाल देने हैं. इसको अच्छी तरह हलाते रहना है इस तरह, इस तरह हलाते रहना है इसको अच्छी. तो ये देखिए सख्त हो रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए सख्त हो रहे हैं. इसको हलाते रहना है. ये सख्त हो गई है, ये देखिए. तो अब मैं इसे बेलने पर रख रहा हूँ. तो ये देखें इसको स्टैंड पर रख लेना है. तो मैं इसे बेलने पर रख रहा हूँ. देखें इस तरह बेलने पर रख लेना है इस तरह. तो ये मैंने रख लिया, इसको मैं बेलने के साथ ऐसे ऐसे मतलब रख लेता हूँ बेलने. तो ये देखें मैंने इसे बना लिया. अब इसे ठंडी होने देते हैं और ये इसे कुछ खोलने देते हैं. ये मैंने बनाई है गुड़ की सी, इसका रंग ऐसे ये जो चीनी की होती है ना उसका रंग सफेद होता है. तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं. तो ये ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको काटने लगा हूँ. ये देखें इस तरह काट लेनी है, देखें इस तरह. तो ये मैंने काट कर लिया, छुरी को इधर रख देते हैं. और अब मैं डिश तैयार करने लगा हूँ. तो ये देखें इस तरह डिश तैयार करनी है इस तरह. तो ये देखें मैंने डिश तैयार कर ली है, ये देखें. ये बहुत ही खस्ता बनती है, ये देखें आसानी टूट गई है, ये देखें. माशाल्लाह आज की जो हमारी डिश है वो तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं. तो ये अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें
दिया आपकी मोहब्बत और प्यार मैं हूँ आप सबका छोटा भाई मोहम्मद दिलदार अब मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।